हे एवरी वन वेलकम टू अंड न्यू वीडियो एंड ऑडियो और मोटरसाइकिल पॉडकास्ट कैसे हो आप लोग आज का ये एपिसोड में हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ साइड मिरर्स मैंने बहुत सारे बाइक्स में और स्कूटर्स में साइड व्यू मिरर्स को निकालते हुए देखा है बहुत लोगों को और मुझे इससे बहुत चिड़ है तो आज हम बात करेंगे उन सब लोगों के लिए जो साइड व्यू मिरर्स निकालते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। हम बात करेंगे उनके इंपॉर्टेंस की इन दिस एपिसोड सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड एंड टॉक अबाउट साइड व्यू मिरर्स। गाइस वेलकम बैक टू द एपिसोड हम जो भी एपिसोड करते हैं मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करता हूं कभी कभी वो जो टॉपिक सामने आते हैं वो आते हैं गुस्से की वजह से गुस्सा क्यों होता है क्योंकि आपके व्हीकल्स में आपके बाइक्स में जो सेफ्टी फीचर्स दिए हैं वो सेफ्टी फीचर्स आप लोग यूज़ नहीं करते सी लॉट ऑफ व्हीकल्स टू व्हीलर्स इवन दैट मैटर फोर व्हीलर्स वे यू हैव मिरर्स ऑन द साइड टू हेल्प यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर सेफ्टी द रोड और आई सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स किड्स एंड समराइडर्स जो इन मिरर्स को निकाल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड पे इन बगैर इन बगैर इन मिरर्स के जाएंगे और ए, सेफ रहेंगे तो ये एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो साइड व्यू मिरर्स निकाल देते हैं मैं बात करना चाहता हूँ मिरर्स की इम्पोर्टेंस की खाली ओवरटेकिंग के लिए नहीं और भी चीज़ों के लिए जो ये मिरर्स हेल्प करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये मिरर्स हेल्प करते हैं अचीव करने में उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करना चाहता हूँ कि ये मिरर्स क्यों होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और ये किस किस चीज़ों में राइडर्स को हेल्प करते हैं तो सबको पता है सारे व्हीकल्स में कंपनीज की तरफ से एज अ सेफ्टी मेथड या प्रोसीजर साइड व्यू मिरर्स लगे लगे आते हैं लगे लगाए आते हैं ना साइड व्यू मिरर्स आपको सब जानते हो दो टाइप के होते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्क्व कॉन्वेक्स होते हैं जिनमें बाहर का दिख रहा होता है कॉन्केव होते हैं जिनमें अंदर का दिख रहा होता है तो जिस भी टाइप का मिरर आपके कार में लगा हो या बाइक में लगा हो तो जो भी साइड व्यू मिरर आपके बाइक में लगा हो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस पर्पज के लिए यूज होता है ना प्राइमरी फीचर साइड व्यू मिरर्स का क्या होता है प्राइमरी फीचर्स तो यही होता है प्राइमरी फीचर तो यही होता है कि वो आपको सेफ रखे सेफ किसे रखे हीकल से आप जब भी कोई व्हीकल चला रहे होते हो जब भी आप कोई मोट जब भी आप कोई टू व्हीलर चला रहे होते हो आपको आपको पीछे का तो पार्ट जो होता है वो दिखता नहीं है सब जानते हैं ऐसे केस में आप ओवरटेक भी करते हो ऐसे केस में आप लेन भी चेंज करते हो बहुत सारी चीजें करते हो रोड पे जो विदाउट मिरर बहुत ही डेंजरस हो जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पीछे कौन आ रहा है तो इसीलिए सबसे पहले तो जरूरी है कि जो भी मिरर आपके व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने लगा के दिए उनको आप मत निकालो डू नॉट रिमूव दो मिरर्स फ्रॉम द व्हीकल फ्रॉम द मोटर बाइक क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी है आपकी रोड सेफ्टी हमारे देश में वैसे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ़ ऑल ऑफ ऑल दीज इश्यूज़ जो होते हैं यहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते राइडर और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और हमारा देश इंडिया इज़ अनफॉर्चुनेटली द एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड सब जानते हैं तो uh, क्या क्या हम लोग uh, क्या क्या इनके मिरर्स के मेन uh, फीचर्स होते हैं कि किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं पहले हम बात करते हैं बेसिक पर्पजिस की फिर हम बात करेंगे जो जो थोड़े डिफरेंट टाइप के पर्पज होते हैं तो सबसे पहले तो आप जानते हो पहला पर्पज यही होता है हमेशा कोई भी मिरर आप जब लगाते हो तो सबसे पहला पर्पज उसका यह होता है कि वाइल चेंजिंग लेंस मिरर्स आर इंपॉर्टेंट जब आप लेफ्ट में राइट right में जहां भी लेन चेंज करते हो तो आपको लेन चेंज करने के लिए ट्रैफिक भी देखना होता है साइड ट्रैफिक को जगह भी देनी होती है और अपने व्हीकल को आराम से एक लेन से दूसरे लेन में जाना होता है उसके लिए इंडिकेटर्स भी ज़रूरी हैं लेकिन इंडिकेटर्स आप तभी यूज़ करते हो जब आप रियर व्यू मिरर से देखते हो कि ट्रैफिक आपसे कितना दूर है पीछे का ट्रैफिक से एक डिस्टेंस मेंटेन करना और सेफली लेन चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वाइल्ड चेंजिंग द लेन इफ द ट्रैफिक कम्स क्विकली ऑन योर साइड देर इज़ अ गुड चांस कि एक्सीडेंट हो जाएगा इसीलिए यू मेक श्योर दैट यू फिक्स योर मिरर्स इन अ राइट वे कि आपको पूरा दिखे पीछे से ट्रैफिक एंड देन यू गिव योर इंडिकेटर एंड यू चेंज योर लेन ये रिस्पॉन्सिबली और प्रॉपरली लेन चेंज करना बहुत ज़रूरी है किसी राइडर के लिए और वो आ, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है दूसरों की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है इन मोस्ट केसेस अगर ट्रैफिक अच्छी स्पीड पे चल रहा है तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं और भी लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लेन ना चेंज करें आप एक ही लेन में चलें लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रैफ़िक स्लो मूविंग होता है या फिर आपको जल्दी जाना होता है उस पर्पस के लिए आपको एक लेन खाली दिखती है और आपको चेंज करनी होती है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप देख के लेन चेंज करो और ट्राई करो कि आप सही तरीके से लेन चेंज करो क्योंकि सब जानते हैं आप भी जानते हो कि आपकी खुद की सेफ्टी भी सामने आती है इसमें और दूसरे लोग जो होते हैं उनकी सेफ्टी भी सामने आती है लेन चेंज करने के चक्कर में आप कोई एक्सीडेंट ना कर दो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट ठीक है तो इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि आप अपने व्हीकल को दूसरे व्हीकल से बचाने के लिए मिरर्स को ढंग से फिक्स करो और मिरर्स का प्रॉपर यूज़ करो तो लेन चेंजिंग के लिए इन मिरर्स की बहुत ज़रूरत होती है उसके बाद अगली चीज आती है ओवरटेकिंग अब ओवरटेकिंग भी ऐसी चीज़ है जो हम प्रेफर करते हैं कि आप ना करो ज्यादा बहुत ज़रूरी हो तभी करो समटाइम्स दो यू रिक्वायर टू ओवरटेक अ सर्टेन व्हीकल टू गो फॉरवर्ड आपको कुछ काम होता है यू नीड टू बाईपास द ट्रैफिक देर इज समथिंग एल्स दैट नीड टू हैपन तो इसीलिए कभी कभी ओवरटेकिंग जरूरी होती है और ओवरटेकिंग के लिए भी बहुत जरूरी है यू नीड टू हैव द मिरर प्रॉपरली मोस्ट ऑफ द ओवरटेकिंग और वो बिकॉज इंडिया में ट्रैफिक इज द राइट साइडेड राइट साइडेड ट्रैफिक है इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द ओवरटेकिंग एंड लेन चेंजिंग इज डन ऑन द राइट तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके मिरर्स क्लियर हैं ठीक से लगे हैं और बढ़िया कंडीशन में है सो दैट यूर एबल टू चेक द मिरर चेक द ट्रैफिक एंड देन टेक राइट टू ओवरटेक द व्हीकल बहुत जरूरी है कि जब आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपके सामने वाली व्हीकल और आपके पीछे वाली व्हीकल का आपको अवेयरनेस होना चाहिए सामने वाली व्हीकल क्यों क्योंकि आप उसे ओवरटेक कर रहे हो मोस्टली पीछे से कर रहे हो इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए पीछे वाली व्हीकल को आपको देख के अवेयरनेस होना चाहिए मेक श्योर sure

तो दोनों जरूरी है लेकिन मिरर सबसे पहले जरूरी है क्योंकि वही आपको राइट right तरीका बताएगा ट्रैफिक के प्लेसमेंट का जहां भी ट्रैफिक होगा उसे देख के आप ओवरटेकिंग मनोवर करो तो लेन चेंजिंग के साथ साथ ओवरटेकिंग के लिए भी ये मिरर्स बहुत जरूरी है ओवरटेकिंग के बाद जो अगला यूज आता है मिरर्स का सेफ्टी पर्पज से भी और जनरली भी यूटिलिटी यूज भी वो होता है पार्किंग पार्किंग भी आप मिरर देख के कर सकते हो ना आपको हो कि टू व्हीलर्स में तो आपको सब दिखता है तो जरूरत नहीं है लेकिन कभी कभी टू व्हीलर्स में भी जरूरत हो जाता है क्योंकि कभी कभी आप रिवर्स कर रहे होते हो आपके पीछे से कोई व्हीकल आ रही होती है पार्किंग में और आपकी टक्कर लग सकती है क्योंकि आप मिरर पर ध्यान नहीं देते हो या फिर कई बार आप छोटे छोटे एरियाज में घुसाते हो बाइक को और आपको पता नहीं चलता कि उसके लेफ्ट या राइट में देर इज समथिंग और आप अपनी बाइक को भी घुसा के उसमें स्क्रैच मार देते हो लेकिन अगर आपके मिरर होंगे अगर आप ढंग से देखोगे पीछे आगे तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा कुछ पार्किंग लॉट्स में आपको बाइक रिवर्स करके लगानी होती है तो रिवर्स करके लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है नीड टू हैव मिरर्स। रिवर्स करने में आपको देखना होता है कि आप कहाँ पे बाइक को फिट कर रहे हो किस स्लॉट में आप बाइक को डाल रहे हो उस स्लॉट में कितनी जगह है और उस स्लॉट में बाइक ढंग से आ पाएगी या नहीं बहुत लोग स्लॉट में डालने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं कार्स में ही नहीं बाइक्स में भी करते हैं आपको ऐसा लगेगा कि कार्स में होता है ये तो इशू बाइक्स में तो होना नहीं चाहिए बट बाइक्स में भी होता है स्पेशली इन पार्किंग लॉट्स विद स्मॉलर स्लॉट्स जहाँ पे बहुत भीड़ होती है और आपको कहीं ना कहीं बाइक को एडजस्ट करना पड़ता है इन चीज़ों में बहुत जरूरी है यू नीड टू लुक एट द मिरर ये इन चीज़ों में भी आपको हेल्प कर देते हैं सो दैट योर व्हीकल इज पार्कड प्रॉपरली एंड सेफली तो ड्यूरिंग पार्किंग ऑल्सो यू कैन यूज योर मिरर्स तो तीन तो ये मैंने आपको बता दी एकदम से कि ये इसकी मेन यूज है ना फोर्थ यूज़ यू कैन डू इज़ वेन यू स्टक इन हैवी ट्रैफिक और अ ट्रैफिक जैम कई बार आपको जल्दी निकलना होता है ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है फिर आपको एक थोड़ी सी जगह दिखती है जहाँ से आप बाइक को निकाल सकते हो लेकिन आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो ज़बरदस्ती आप राइट या लेफ़्ट टर्न लेने की कोशिश करते हो पीछे से कोई आता है और आपको मार के चला जाता है इन दिस केस What you need to do is use your mirror effectively. पहले आप मिरर से चेक करो कि कोई आ रहा है या नहीं कोई व्हीकल है नहीं आपके पीछे इस तरह पॉसिबल पॉसिबल पर्सन एंटरिंग द ट्रैफिक जैम कई बार क्या होता है कि हमारे देश में तो स्पेशली इंडिया में लोग भी एंटर कर जाते हैं बीच में जब वो देखते हैं ट्रैफिक जैम हुआ है उनको रोड क्रॉस करनी है वो बीच में से ही आके एंटर कर जाते हैं स्ट्रे एनिमल्स भी आ जाते हैं तो उस पर्पस के लिए भी आपको मिरर देखना होता है कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है किसी से टकराए तो नहीं जाएंगे बीच में से लोग घुस जाते हैं हॉकर्स भी घुस जाते हैं देर आर लॉड ऑफ पीपल हु कम बिटवीन योर व्हीकल एंड द कार एंड द स्मॉलर स्पेस दैट यू सी तो उन सबको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उन सबको देखने के लिए कि किसी से लग ना जाए आप अपनी बाइक को सिक्योरली निकाल सको उसके लिए रेयर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक जैम में इजीली अगर आप निकल जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपको ट्रैफिक जैम में वेट भी नहीं करना पड़ेगा इसीलिए जब भी आपको निकलना हो जब भी एक छोटी सी जगह हो तो हमेशा ये ज़रूर चेक करो कि उस छोटी जगह में पीछे से कोई आ रहा है या नहीं वो कोई व्हीकल हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है so make sure that you use your mirror when you go from गो फ्रॉम अ वैन यू ट्राई टू एस्के ट्रैफिक जैम तो हैवी traffic और ट्रैफिक जैम में भी ये काम आता है और मिरर्स किस चीज में काम आते हैं वो भी hain aapko आपको जब भी आप रोड में राइड कर रहे होते हो ना आपको बहुत सारी चीजों को देखना होता है turns टर्निंग पाउंट टर्न्स या टर्निंग पॉइंट्स को देखना होता है राउंड अबाउट्स को जज करना होता है यू टर्नस को जज करना होता है लेफ्ट और राइट 90 डिग्री टर्न्स को भी जज करना होता है कई बार आप जब मिरर्स को यूज करते हो तो वो सब जगह देखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो जब भी आप कोई टर्न को जज कर रहे होते हो तो आप हमेशा मिरर की हेल्प ले सकते हो लेफ़्ट और राइट टर्न में मिरर शायद आपको इतना काम ना आए लेकिन व्हेन यू टेक अ यू टर्न व्हेन यू गो ऑन अ राउंड अबाउट ऐसी चीज़ों में आपको बहुत देखना होता है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मिरर्स चेक करो राउंड अबाउट में बहुत सारी टर्न में से एक टर्न में आपको जाना होता है अब आपके पीछे कोई आ रहा है साइड से कोई आ रहा है वो आपको मार जाए वो आपको हिट कर जाए आपके व्हीकल को उससे पहले आपको अपने साइड uh, मिरर में उसे चेक करना होता है और अगर कोई आ रहा है तो रुक के आपको उसे पास करना देना होता है राउंड अबाउट्स में बहुत जरूरी है कि यू नीड टू लुक बिहाइंड बिफोर यू गेट आउट ऑफ अ राउंड अबाउट और यू टर्न लेते हुए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यू टर्न से दूसरी साइड में या आपकी साइड में कोई पीछे से आपके आ रहा है या नहीं कई बार कई बार मैंने देखा है यू टर्न में स्पेशली ये बहुत होता है ना लोग इंडिकेटर देते हैं ना अपना मिरर चेक करते हैं और बगैर इन दोनों के ये यू टर्न में कोई पीछे से आके उनको हिट कर देता है इसीलिए इन चीज़ों को देखने के लिए लेफ़्ट राइट यू टर्नस राउंड अबाउट्स स्पेशली और टर्निंग पॉइंट्स इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स में देखने के लिए कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आपको ये मिरर्स काम आएंगे इन क्या इनके रहने से आपको जज हो जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है कोई हिट कर सकता है या नहीं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर सेफ्टी ऑन द रोड तो ये एक और ऐसी चीज है जो आपको आपके मिरर्स नेगेट करने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं मिरर्स मिरर्स आपके एक दो काम और भी करते हैं पहले तो पीछे से जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है ट्रैफिक का फ्लो जज करने में हेल्प करते हैं कोई सडनली आपके पीछे आ गया आपके गाड़ी के बिल्कुल आपकी बाइक से बिल्कुल क्लोज आ गया बिल्कुल क्लोज आके वहीं पर ही अटक गया वहीं पर ही चिपक गया उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस इन सब चीज़ों को जो ट्रैफिक का फ्लो होता है ट्रैफिक की स्पीड होती है उसे भी जज करने में मिरर्स आपकी हेल्प करते हैं कई बार आप स्लो चल रहे होते हो लेकिन आपके पीछे ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आ रहा होता है आपको पता नहीं होता और कई बार वो तेज़ ट्रैफिक आपको हिट भी करता हुआ जाता है या फिर आपको प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर देता है तो आप अपनी स्पीड भी ट्रैफिक के फ्लो में रखने के लिए अपनी स्पीड को आपको भी जज करना पड़ता है कि आपके पीछे का ट्रैफिक भी कितनी स्पीड में चल रहा है अगर आप पीछे का ट्रैफिक जज कर पाते हो तो आप अपनी स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंगली रख पाते हो इसी पर्पस के लिए मिरर्स बहुत ज़रूरी होते हैं मिरर से एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगता कि कितना किस हिसाब से ट्रैफिक आ रहा है लेकिन एक फेयर आइडिया लग जाता है कि आपके पीछे जो व्हीकल चल रही हैं आ रही हैं उनकी स्पीड कितनी है कोर्स आपको आगे की व्हीकल्स आगे की व्हीकल्स भी आपको देखनी होती है ये तो ज़रूरी है लेकिन पीछे की व्हीकल्स को जज करना भी बहुत ज़रूरी है इन केस यू वांट टू मेंटेन अ गुड स्पीड तो टू रिमूव टू व्यू ट्रैफिक स्पीड टू जज ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम बिहाइंड यू डेफिनेटली नीड मिरर्स मिरर्स आपको हेल्प करते हैं जज करने में एंड दे हेल्प यू मेंटेन योर स्पीड इन द ट्रैफिक फाइनली जो हमें लगता है एक और एडवांटेज है मिरर्स को लगाने की वो है कि टू रिमूव ब्लाइंड स्पॉट्स कई सारे रोड पे ऐसे टर्न्स आते हैं ऐसे स्पॉट्स आते हैं जो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं उसमें आपको आगे का ट्रैफिक भी जज करना होता है और पीछे का ट्रैफिक भी जज करना होता है अब आगे का ट्रैफिक तो आप जज करते हो कि जब आपके आगे कोई मेरा लगा होता है रोड में या रोड या गवर्नमेंट की तरफ से कोई साइन वहां लगा होता है आगे का ट्रैफिक आप अपनी स्पीड को लो करने भी जज कर सकते हो लो करके भी और आप इंडिकेटर दे के भी जज कर सकते हो फ्लिकर भी कर सकते हो और आगे अपना हेड को भी हल्का सा टिल्ट करके देख सकते हो आगे ये सब ब्लाइंड स्पॉट्स को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन पीछे भी आपको इक्वली ध्यान देना होता है क्योंकि जब आप ब्लाइंड स्पॉट में टर्न ले रहे होते हो तो आप सडनली थोड़े स्लो जाते हो सडनली आप थोड़ा कॉशियस हो जाते हो और इसी की वजह से पीछे से आपको कोई भी आके हिट कर सकता है कोई भी आके मार सकता है जरूरी यह है कि आप पीछे का ट्रैफिक भी ऑब्जर्व करो ब्लाइंड स्पॉट में जाते हुए आगे का ट्रैफिक भी जज करो जो मैंने अभी प्रिकॉशंस बोले वो सारे प्रिकॉशंस लो और फिर ब्लाइंड स्पॉट वाले टर्न पे टर्न करो या जाओ उससे आप भी सिक्योर रहोगे आपकी बाइक भी सिक्योर रहेगी और दूसरे लोग भी जो रोड पे हैं वो सिक्योर रहेंगे हमारे रोड्स में वैसे भी आप जानते हो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं खाली व्हीकल्स का इशू नहीं होता है ट्रैफिक का भी और लोगों का भी स्ट्रे एनिमल्स का भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ वॉट्स गोइंग ऑन फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक दोनों चीजें जरूरी हैं और दोनों चीजें आपके काम में आती हैं ये थे बहुत जरूरी एडवांटेजेस और रीजंस कि आपको साइड मिरर यूज करने चाहिए कुछ लोग डिसएडवांटेजेस की भी बात करते हैं साइड मिरर्स की जैसे आप वेट इंक्रीज कर लेते हैं फ्रेजाइल होते हैं डेंजरस होते हैं ब्रेक हो सकते हैं इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट लेकिन हम इन सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी भी पार्ट में हो सकता है कोई भी पार्ट डेंजरस हो सकता है किसी भी पार्ट से वेट इंक्रीज हो सकता है कोई भी पार्ट फ्रजाइल हो सकता है जरूरी क्या है जरूरी है रोड सेफ्टी आपकी सेफ्टी दूसरे लोगों की सेफ्टी सो दैट आर कंट्री डज नॉट रिमेन द कंट्री विद द हाइस्ट पॉसिबल एक्सीडेंट्स हम चाहते हैं एज अ ग्रुप कि आप लोग सेफ रहें इन मिरर्स को निकाले नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइडिंग कोई भी आपने बाहर का वीडियो देखा होगा किसी भी टाइप का वीडियो देखा होगा वो लोग साइड मिरर्स को नहीं निकालते हैं इनफैक्ट वो उसे इम्ब्रेस करते हैं और अच्छे से यूज करते हैं हम भी अगर अपनी कंट्री में ढंग से यूज करेंगे नहीं निकालेंगे इनको तो अच्छा होगा कीप दर ऑन एंड बी सेफ ऑन द रोड यहाँ पर हमारे एपिसोड खत्म करते हैं हम गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो छोटे छोटे एपिसोड हैं अच्छे एपिसोड हैं सुनो एन्जॉय करो इसका यूज़ करो अपनी लाइफ में और अपने आप को रोड पर सिक्योर और सेफ रखो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं यू कैन कॉमेंट लाइक कॉमेंट एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब कहीं पर भी आपको करना है कहीं आप ऑडियो पॉडकास्ट होते हो वहाँ पर भी कॉमेंट करो कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आर पॉडकास्ट फॉलो अस एवरीवेयर सारे लिंक्स हम नीचे लगा देंगे कीप गोइंग टू आर न्यू साइट उस न्यू साइट में बहुत कुछ अवेलेबल है नया कॉन्टेंट नई सर्विसेज अवेलेबल है गो देर प्रोडक्ट्स के लिए हमारी ओल्ड साइट पर भी जाओ वो साइट को भी हमने अपग्रेड कर दिया है उसे और भी हम अपग्रेड कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स और सर्विसज आपके लिए ला रहे हैं कीप फॉलोइंग कीप वॉचिंग एंड कीप इजॉइंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टेंट एंड Stay safe on the road. Ride safe. Always wear अ प्रोटेक्टिव केयर एंड राइट एवरी वेयर यहीं पर एपिसोड खत्म मैं हूँ सौरभ आपसे इजाजत देता हूं। मिलूंगा अगले एपिसोड में ऑफ योर फेवरेट पॉडकास्ट मोटरसाइकिल पॉडकास्ट सी यू द नेक्स्ट वन bye फ्रॉम my साइड